आज हम बात करेंगे 19 और 20 फरवरी का मौसम अपडेट। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में कभी बारिश तो कभी धूप के बीच सर्दी का सितम अब कम होने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान की माने तो मौसम अभी शुष्क बना रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है, जिससे कि लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान किए अगर हम माने तो मौसम जो है शुष्क बने रहने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि प्रदेश भर में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव जारी है, जिसके कारण प्रदेश के लोगों को अभी भी ठंड का एहसास होता रहेगा। हालांकि अभी दिन में चुभन वाली गर्मी पड़ रही है, जिससे धूप में निकलने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी अलर्ट में कहा है कि प्रदेश के दक्षिणी पूर्व के हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है, जिससे प्रदेश के मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना बन रही है। तो आइए अब जान लेते हैं 19 और 20 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 19 फरवरी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं 20 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 19 फरवरी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। इन्हीं जिलों में अगर हम 20 फरवरी के अधिकतम तापमान को देखें तो अधिकतम तापमान जो है वह 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर इन्हीं जिलों का हम न्यूनतम तापमान देख लें तो वह 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 19 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का जो है न्यूनतम तापमान अगर हम देख लें तो 14 से 16 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर इन्हीं जिलों के 20 फरवरी का अधिकतम तापमान अगर हम देख लें तो 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है, तो वहीं इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 19 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। 20 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 19 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। 20 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख रहे तो 26 से 28 डिग्री तक अधिकतम तापमान रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो इसमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 19 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं पर 20 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री रहने की बात कही गई है। ये थे बिहार के मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।